सात साल से गुमशुदा तीन बच्चे लाहौर एयरपोर्ट से बाजियाब करा लिए गए। FIA, इंटरपोल और इमिग्रेशन लाहौर ने बच्चों को बाजियाब कराया। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलाउद्दीन, अपडेट कीजिएगा। लेकिन बिल्कुल, ये बच्चे लाहौर से, इटली से लाहौर पहुंचे थे। इमिग्रेशन के दौरान FIA के सिस्टम ने निशानदेही की थी। ये सात साल से गुमशुदा तीन बच्चों के हवाले से जो है वो लाहौर FIA इंटरपोल ने पंजाब पुलिस हाफसाबाद की दरख्वास्त पर बच्चों की गुमशुदगी पर येलो नोटिस जारी किए गए थे। बच्चों को बादजा FIA इमिग्रेशन लाहौर ने पंजाब पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया गया है। DG FIA कहते हैं कि इंटरपोल के नए सिस्टम के निजाम से नई तारीख रखी हुई जिसके मुस्बत नतज बरामद हुए हैं। गुमशुदा बच्चों की मालूमात के हवाले से भी इंटरपोल की काविश है, काबिल सताइश है। तो इस तरह से शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सात साल से गुमशुदा तीन बच्चे लाहौर एयरपोर्ट से बाजियाब करा लिए गए। FIA, इंटरपोल और इमिग्रेशन लाहौर ने बच्चों को बाजियाब कराया। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलाउद्दीन, अपडेट कीजिएगा। लेकिन बिल्कुल, ये बच्चे लाहौर से, इटली से लाहौर पहुंचे थे। इमिग्रेशन के दौरान FIA के सिस्टम ने निशानदेही की थी। ये सात साल से गुमशुदा तीन बच्चों के हवाले से जो है वो लाहौर FIA इंटरपोल ने पंजाब पुलिस हाफसाबाद की दरख्वास्त पर बच्चों की गुमशुदगी पर येलो नोटिस जारी किए गए थे। बच्चों को बादजा FIA इमिग्रेशन लाहौर ने पंजाब पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया गया है। DG FIA कहते हैं कि इंटरपोल के नए सिस्टम के निजाम से नई तारीख रखी हुई जिसके मुस्बत नतज बरामद हुए हैं। गुमशुदा बच्चों की मालूमात के हवाले से भी इंटरपोल की काविश है, काबिल सताइश है। तो इस तरह से आपका अपडेट करने के लिए।